पिछले कुछ सालों में इंडिया का कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, जिसके जरिए वो वर्ल्ड में अभी टॉप 5 प्रोडक्शन में आ गया है। काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसमें अभी वर्ल्ड में इंडिया टॉप 5 पे है। आज हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट की बात करेंगे। वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे अपडेट हर बार समय पर मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट एंड वेयर टू एक्सपोर्ट सिरामिक टाइल्स। जैसा कि आप जानते हैं, सिरामिक टाइल्स अभी हर जगह पे नेसेसरी बन गया है। जैसे भी छोटा या बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे सिरामिक टाइल्स तो ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन काफ़ी सालों से सिरामिक टाइल्स में चाइना वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। वर्ल्ड में काफ़ी सारे कंट्रीज है जो सिर्फ और सिर्फ चाइना का भरोसे ही रहते हैं पूरा टाइल्स सप्लाई के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया का सिरामिक टाइल्स में प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, और इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आई है और भी नई फैक्ट्रियाँ आ रही है, जिसको चलते अभी इंडिया वर्ल्ड मार्केट में सिरामिक प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट पे आ गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम देखें तो काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ है, काफ़ी सारे नए एक्सपोर्टर्स है, वो मेजरली गल्फ़ कंट्रीज़ में ही फोकस करते हैं। मेजरली वो लोग यूनाइटेड अरब अमीरात्स, कतार, इराक, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ में फोकस करते हैं, वहाँ से ही अपना बिजनेस फाइंड करते हैं। और ये सब कंट्रीज़ है जिसमें कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा है। अभी कोविड के बाद हम बोल रहे हैं कि इसमें कुछ अभी डाउन हुआ है, क्योंकि कोविड क्राइसिस की वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ का इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आया है, जिससे गल्फ कंट्रीज़ में जो कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिससे सिरामिक टाइल्स में मार्केट में डिमांड में प्लस और माइनस थोड़ा हो सकता है। लेकिन अभी हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत ही बूम कर रहे हैं, वो सब जगह पे फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स का ज़रूरत रहता है। जहाँ पे भी रेसिडेंशियल कॉलोनीस बनती है, रेसिडेंशियल टाउन्स बनते हैं, उसमें उसके अलावा कॉमर्शियल एरिया भी प्रोडक्शन में आते हैं। तो जैसे कि शॉपिंग मॉल्स बनते हैं और भी काफ़ी सारी ऑफिस बनती है, तो जिसमें हम जो कॉमर्शियल फ्लोरिंग टाइल्स होती है वो यूज़ करते हैं, तो उसके भी डिमांड बढ़ती है। अभी हम ट्रेडिशनली देखें तो एशिया में इंडिया अभी नेपाल को हाईएस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के साथ डायरेक्टली ट्रेड करने में उसके पास पोर्ट नहीं है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी तक इंडिया पे डिपेंड रहता है, तो वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा हम बात करें तो अभी इंडिया ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इराक, कुवैत ऐसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अभी पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इज़राइल, थाईलैंड, ताइवान जैसे कंट्रीज़ में सिरामिक टाइल्स का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी हम जैसे रिसेंट डेटा चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लास्ट 3 to 4 ईयर से चाइना से सोर्सिंग करना बहुत ही कम कर दिया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज़्यादातर इटली एंड स्पेन से सोर्सिंग करता है। इटली एंड स्पेन का टाइल्स जो रहता है वो इंडिया से बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि स्पेन और इटली वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी में टाइल्स में मोनोपोली रखते हैं। काफ़ी तक मशीनरीज जो टाइल्स की इंडिया में भी आती है वो सब यूरोपियन कंट्रीज से ही आती है। काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी यूरोपियन कंट्रीज से हमें लाने पड़ते हैं क्वालिटी टाइल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी हद तक इटली स्पेन पे डिपेंड रहता है, लेकिन चाइना से काफ़ी हद तक उसने कट किया है अपना सोर्सिंग। तो ये जो बेनिफिट है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने थोड़ा लेना का कोशिश किया है, लेकिन जितना प्रोडक्शन जितना सोर्सिंग यूनाइटेड स्टेट से कट हुआ है उतना इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो यदि इंडियन एक्सपोर्टर्स अच्छी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स पे फोकस करेंगे तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मार्केट है, जहाँ पे आपको रेट्स भी बहुत हाई मिल सकते हैं। तो एक अच्छी मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा हम बात करें तो अफ्रीका में अभी चाइना काफ़ी हद तक सिरामिक टाइल्स का जो है वो अभी सप्लाई कर रहा है, उसमें इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसमें हम पर्टिकुलर बात कंट्री की बात करें तो
कैमरून आता है। कैमरून का अभी वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें बहुत ही बड़ी डिमांड्स रहती है टाइल्स की, लेकिन अभी ज़्यादातर सप्लाई हम देखें तो लास्ट 2 ईयर्स में चाइना से ही हुआ है, जिसमें इंडिया के पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है सप्लाई करने की। पर्टिकुलरली फ्लोर टाइल्स जो है वो कैमरून में बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर फोकस कर सकते हैं। कुछ और कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ अफ्रीका में इंडियन एक्सपोर्टर्स अभी कर रहे हैं और वहाँ पे भी डिमांड अच्छी है। उसके अलावा हम बात करें तो लीबिया, सोमालिया, सेनेगल, ये सब कंट्रीज़ में भी सिरामिक टाइल्स की डिमांड बहुत ही अच्छी है। इंडियन एक्सपोर्टर वहाँ पे इजीली मार्केट अपना जो है वो बना सकता है। अभी यूरोपियन मार्केट में भी इंडियन कोस्ट की वजह से अभी ग्रोथ हुआ है इंडियन टाइल्स डिमांड का। उसमें हम पर्टिकुलरली बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, बेल्जियम, ये सब कंट्रीज़ में अभी इंडियन टाइल्स का डिमांड आ रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, तो हमें ये फ़ायदा मिलता है इटली और स्पेन के सामने, तो एक अच्छी बात है। उसके अलावा भी कोविड के बाद में अभी काफ़ी सारे कंट्रीज है जो इंडियन प्रोडक्ट्स फेवर करने लगे हैं, तो जिसमें भी सिरामिक टाइल्स टॉप पे आता है, जो काफ़ी सारे कंट्री से वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से चाहते हैं, नहीं तो अलग कंट्री से। तो आप ऐसे भी एक हॉबी सॉफ्ट कॉर्नर का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे लिए प्रॉमिसिंग मार्केट लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ हो सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं ब्राज़ील, पेरू, चिले, ये सब कंट्रीज़ जो है उसमें भी अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको मार्केट मिल सकती है। उसके अलावा मेक्सिको, कनाडा भी हमारे लिए अच्छा मार्केट है। तो ये सब जो मार्केट है उसमें इंडियन एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब ऐसे मार्केट्स है जिसमें चाइना अभी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इजीली ये मार्केट में क्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ अभी पर्टिकुलरली मार्केट के लिए अपडेट्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमें आपको ऐसे ही अपडेट हर बार समय पे देते रहेंगे। सिरामिक टाइल्स के लिए यदि आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट में डाल दीजिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।